तो काफी लोग का सवाल आ रहा था, सर आप लोग का प्रॉब्लम होता है इलेक्ट्रिकल वर्क करने जाते हो तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हो। तो चलो आज की वीडियो में आपको बताते हैं पहले कैसा था किचन और अब कैसा लुक आ रहा है। तो आपको समझ आएगा कुछ चेंजेस लगा कि नहीं, बोर्ड एक चेंज, यहाँ पर हम लोग इस जगह से। तो देखिए दोस्तों, ये है किचन और किचन में हम लोग ना इलेक्ट्रिकल वर्क करने वाले हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो है फर्नीचर काम हुआ है, एक मॉडलर किचन बनाया गया है, ठीक है। नॉर्मल था, इसको फर्नीचर बनाया गया। तो यहाँ पर हम लोग को एक भाभी बोल रहे थे यहाँ पर हम लोग को स्विच बोर्ड चाहिए। तो ये देख सकते हो यहाँ पर सरमाइका चिपक चुका है, तो उसके बाद यहाँ पर तो बोर्ड आएगा कि नहीं, तो आप लोग सोच रहे होंगे ना। तो चलो आपको बताते हैं, यहाँ पर लाइट भी लगाना है। दोस्तों एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है और आप देख रहे हो कमलेश इलेक्ट्रिशियन चैनल। तो दोस्तों वीडियो भी न्यू आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसा ऐसा रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर। काफ़ी लोग का सवाल आ रहा था, सर आप लोग का प्रॉब्लम होता है इलेक्ट्रिकल वर्क करने जाते हो तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हो। तो चलो आज की वीडियो में आपको बताते हैं। और देखिए एक लाइट तो हम लोग चेंज कर ही दिए, पुराना लाइट था तो हम लोग नया लगाएं 40 वाट का, तब जाके किचन पे रोशनी आए। तो चलो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, रिक्वायरमेंट है यहाँ पर हम लोग का एक स्विच बोर्ड का, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है ओवन रहेगा और ग्राइंडर रहेगा और इसमें हम लोग को जो लाइट लगाना है एक प्रोफाइल लाइट, तो कैसा होगा। और इसके बाद हम लोग का बोर्ड है यहाँ पर, तो इसका डिस्टेंस जो है दूरी हो जा रहा है, तो इसमें हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे, वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे। दोस्तों यहाँ पर हम लोग को तो बोर्ड लगाना है और ये देख सकते हैं ये जो है वॉल पे है, ठीक है, पूरा फिनिश है और स्विच बोर्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे लेकेंगे आप सोच रहे होंगे ना, तो चलो आपको बता देते हैं। ये देख रहे हो हमारे पास स्विच बोर्ड है, इससे हम लोग क्या करेंगे यहाँ से वहाँ लेके जाएंगे, तो इसके ऊपर केसिंग पट्टी डाल देंगे, केसिंग पट्टी भी लेके आए तो कैसे लगेगा, और लगेगा। तो उसके लिए हम लोग आपको उपाय बताते हैं, इस बोर्ड से होल करेंगे और ये देखिए इधर हमारे पास जगह स्पेस है, आपको दिखाते हैं, ये देखिए स्पेस है। तो ये दीवार से हम लोग जो है वॉल झरी नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से केसिंग पट्टी ला के यहाँ पर पॉइंट करेंगे, इसको मेजरमेंट ले लेते हैं पहले, उसके बाद बोर्ड कटिंग करेंगे, ठीक है। और बोर्ड जहाँ कहाँ आएगा आपको बता दूँ, ये बोर्ड जो हम लोग ले रहे हैं यहाँ से करीब 15 इंच, क्योंकि ओवन का सेंटर ले लेना है इस हाइट से और उसके बाद मेजरमेंट लेना, तो 15 इंच में हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि वो 12 इंच का तो ओवन लग रहा है तो 15 इंच ले रहे हैं, बोर्ड काफ़ी हाइट रहेगा। तो ये सेंटर निकाल लेते हैं करीब, यहाँ से हम लोग को मेजरमेंट किए तो पता चला 2 फीट है। देखिए 8 मॉडलर का जो हम लोग मेजरमेंट ले लिए और फर्नीचर वाले भैया को बुला लिए, इसको कटिंग करना है और इसके पीछे तरफ से हम लोग को पॉइंट लेके जाना है। तो आप लोग को काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा होगा, अब वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे, आपको बताते हैं। तब तक के लिए हम आपको दिखाते हैं मटेरियल, हम लोग देखिए क्या क्या लेके आए। 40 वाट का ट्यूबलाइट, एक अडाप्टर और LED स्ट्रिप और प्रोफाइल पट्टी भी लेके आए, ग्रुपिंग भी होगा, कैसा होगा हम आपको डिटेल बताएंगे। और बाकी सारा ऐसे चीज है और कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए आपको बता दो, जब भी आपका सरमाइका लग जाता है उसके बाद काटने में काफ़ी डिफिकल्ट, मतलब डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये जो है कट जाएगा ना तो हमारा जो फ्रेम से बाहर आ जाएगा, तो काफ़ी सावधानी से इसको काटना पड़ेगा। और ये अक्सर क्या होता है पता है ना, जब सामने वाले बोलते हैं तो जैसे कि हम लोग को लाइट पॉइंट चाहिए तो पहले डिसाइड नहीं रहता और बाद में करना है तो इस तरीके से प्रॉब्लम आता ही है। तो चलो इसको सावधानी से करना पड़ेगा और उसके बाद इसको अभी समझिए फटाफट से पूरा कटिंग करना है इसको। तो चलो पहले कटिंग हो जाने दो। चलो फर्नीचर वाले भैया तो काम कर दिए, अब हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। देखते हैं यहाँ पर तो ये कुछ भी लेवल में है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बस देखना है सॉकेट लगा के आ जाएगा। और ये देखिए ये हमारा अंदर पे तो पोला है, फिर यहाँ से यहाँ हमारा कोई भी कंड्यूट पाइप नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से होल मारेंगे और उसके बाद देखिए एक और है यहाँ पर, इसको भी होल मारेंगे। तो चलो दोस्तों होल तो हो चुका है, देखते हैं यहाँ पर होल हुआ कि नहीं। देख सकते हो यहाँ पर होल हो गया, इसी हिसाब से हम लोग को एक और होल करना है इसी जगह, ठीक है। तो चलो अब उधर हो गए, तो चलो यहाँ पर हम लोग को बोर्ड से होल करना है। तो
चलो ये भी होल हो गया, इसको भी देख लेते हैं होल हुआ कि नहीं। हल्का सा ज़्यादा फट गया, निशाना तो पूरा हुआ है ढंग। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम लोग को केसिंग पट्टी लगा देना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 2.5 mm का वायर रेड ब्लैक, और ये देखिए बोर्ड हम लोग रेडी कर दिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2 16 ampere का सॉकेट और 2 स्विच और 1 normal switch, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पर लगेगा, इस बोर्ड पर लगने वाला, ये ऐसा लगेगा और इसका कनेक्शन जाएगा उसमें। तो चलो अभी हम लोग वायर डालते हैं और कनेक्शन लेके चलते हैं इधर से। इधर काफ़ी सिंपल है, 2 पुंडी को एक साथ करना है। और ये देखिए रनिंग अर्थिंग नहीं है तो हम लोग डाल नहीं रहे, नहीं तो डालना जरूरी चाहिए, मतलब इधर से इधर, बस खाली ट्रांसफ़र करने के लिए। यही सब ऐसा है, मतलब प्रॉब्लम होने से हम लोग ऐसा ही सॉल्व। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाते हैं वायरिंग कैसा किए हैं। देखिए रेड वाला ला के यहाँ पर स्विच लॉक में ट्रांसफ़र कर दिए, और इसका वायरिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रल वाला यहाँ पर रनिंग अर्थिंग नहीं है। तो देखिए 2 वायर और जा रहा है, एक हम लोग ब्लैक वायर पर यहाँ पर ज्वाइंट किया गया, एक हमारा स्विच पर गया। तो यहाँ पर जो लगने वाला है प्रोफाइल लाइट, तो भैया लोग ग्रुपिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक शेडो दे, यहाँ पर जो है प्लाई का एक टुकड़ा रहेगा यहाँ तक 2 मीटर तक, उसके बाद हम लोग का लाइट आएगा। तो चलो इसका वायरिंग कर लेते हैं। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को दोनों लूपिंग करके जोड़ देते हैं और बोर्ड को फिटिंग कर दें। आप देखिए दूसरा वाले स्विच बोर्ड से हम लोग लूपिंग कर दी यहाँ पर, फेस न्यूट्रल आप देख सकते हो, ठीक है, ब्लैक और रेड में। और ये देखिए यहाँ पर ये भी स्विच चलेगा, और उसको भी पैक कर देते हैं और फाइनल हो चुका। बस लाइट लगाना बचेगा, और इसको पहले टाइट कर लेते हैं और पीछे तरफ आपको दिखाते हैं कैसा ये लगने लगा। अभी वायर लोग को हल्का सा समेट लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर सही तरीके से कटा। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको फर्नीचर में बोर्ड के लिए सैंपल कटवाना है ना, तो आपको क्या करना है पता है, सबसे पहले आपको मेजरमेंट लेना है और उसके बाद कटिंग करना। चलो इसको पैक कर देते हैं। आप 4 जगह लगाएंगे, ठीक है, 2 जगह नहीं, 4 जगह इसकी उठाना। और देखिए यहाँ पर POP स्क्रू है, इसको हम लोग को 4 जगह भी फिटिंग करने वाले हैं। होता है 2 स्क्रू मारेंगे ना तो मजबूती नहीं रहेगा, पावर प्लग जैसे हम लोग लगाएंगे तो निकालेंगे तो बाहर आएगा। तो 4 स्क्रू लगा दिए, उसके बाद प्लेट लगा लेते हैं और इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तरफ से कैसे हम लोग यहाँ पर पॉइंट लेके गए, इधर से उधर लेके गए, तो इसके लिए हम लोग केसिंग पट्टी लिए, नहीं तो अंडरग्राउंड कर देना था इसको। तो फाइनल हो चुका, और लेवल स्केल से देख लेते हैं लेवल हुआ कि नहीं। ये देखिए लेवल पे भी आ गया, और पावर प्लग लोग को चेक कर लेते हैं, ये काम कर रहा नहीं। तो ये लगा देते हैं यहाँ पर एक ग्राइंडर, यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये चलना चालू हो गया 1 प्लग, और ये दूसरा प्लग देख लेते हैं। ये देखिए ये भी चल रहा है, मतलब ओके, ठीक है। अभी हम लोग लाइट का काम करेंगे यहाँ पर जब प्लाई लग जाएगा, तो इसके लिए हम लोग का जो है क्या लगेगा, ये देखिए ग्रुपिंग लगेगा, और इसमें LED स्ट्रिप लगने वाला है जो प्रोफाइल लाइट के नाम से, तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं अभी, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ का टॉप रेडी हो रहा है, जो हमारा फर्नीचर पे हम लोग सेटअप करेंगे ना प्रोफाइल लाइट, तो उसके लिए देखिए ये जो लग रहा है प्रोफाइल पट्टी, ये 17 mm का है, तो उसके लिए हम लोग मेजरमेंट और ग्रुपिंग करने वाले, तो इसको हम लोग को कटिंग करेंगे सरमाए का लगने के बाद, यहाँ पर कटिंग करेंगे। और उसके बाद जो है ये क्या होगा, इसके ऊपर हम लोग को जो अल्मोनियम पट्टी, तो देखिए दोस्तों ये कटिंग हो गया, और अभी हम लोग देखे ग्रुपिंग अच्छे से यहाँ पर कटिंग कर दिए, और इसको ना पटासी से बाहर करने वाले, ठीक है। देखिए हल्का हल्का पटासी से ना जितना भी ग्रुपिंग प्लाई है उसको बाहर करना है, ठीक है। अभी प्लस सरमाई का बाहर खुला था, और ये एक बार ट्राई कर लेते हैं जो हमारा अल्मोनियम पट्टी लग रहा है कि नहीं। तो देखिए फाइनल अच्छे तरीके से ग्रुपिंग हो रहा है, तो इसी हिसाब से हम लोग को भैया को बोल देते हैं, और हम लोग जा रहे हैं। अभी 1-2 बज चुका है ना, तो हम लोग खाना खा के आने के बाद ही कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दोस्तों फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो अल्मोनियम प्रोफाइल पट्टी लगा दिया गया है। तो ये देखिए काफ़ी पहले हम लोग का आने के पहले यहाँ पर ये देखिए खिले पर यहाँ पर लटका दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हर जगह 2 फीट 1-1 फीट के डिस्टेंस में ना एक खिला लगा दिया गया, और ये देखिए पूरा ये कम्प्लीट, ठीक है। और अभी हम लोग इसका वायरिंग देखिए, इस कोने पे ना हम लोग को होल करना है, और ये बीड है इसका, देखिए होल हो चुका है।
चलो ये होल हो गया, अभी हम लोग उसका एलईडी स्ट्रिप लाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये है एलईडी स्ट्रिप इस कंपनी का, और ये 240 एलईडी बल्ब रहेगा 1 मीटर पे, ठीक है 35। तो इसमें हम लोग को लगाना कैसा है आपको बता देता हूँ, काफ़ी सिंपल है। ये देखिए इसमें आपको रेड और ब्लैक देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जितना भी चाहिए उस हिसाब से हम लोग को वायर को बाहर निकालेंगे और स्ट्रिप लगाते रहेंगे, ठीक है। और इसका ब्लू वाला जो स्टिकर है उसको ये करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ही पॉइंट जो यहाँ होल किए हैं, ये आगे यहाँ पर होल है और ये आप देख रहे हो दो वायर देखने को मिल रहा है, इसमें डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, इसके लिए हम लोग को ड्राइवर लगाना है, ठीक है। इसके लिए ड्राइवर हम लोग लेके आए, आपको दिखाते हैं कौन सा ड्राइवर है। आज ये ड्राइवर है, इसमें हम लोग का डीसी वाले जो पॉइंट है इधर 12 वोल्ट डीसी माइनस प्लस और यहाँ पर एल है ना, इसको हल कर माइनस प्लस यहाँ पर ज्वाइन करना, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, डीसी में डीसी जोड़ना है और एसी तरफ एल और एल लिखा रहता है उसको ज्वाइन करना, ये कंप्लीट। तो चलो यहाँ स्विच बोर्ड है, आप देखिए इस जगह पे हम लोग स्विच बोर्ड फिटिंग इसको ऑन करते हैं कुछ समय के बाद, और ये देख सकते हैं ये फाइनल ऑन हो चुका है, ठीक है। और अभी हम लोग इसको यहाँ ब्लू कलर का स्टिकर निकाल के यहाँ पर चिपकाने वाले हैं, ये और ऐसा। तो देखिए ये ब्लू कलर का स्टिकर है, इसको निकालते हुए जाना है, और ये देखिए इसको सेंटर में रखना है इस तरीके से, और एक उंगली प्रेस करना ऐसा करके और ऐसे दबाते हुए लेके आते, ठीक है। इसको लेके जाएंगे पूरा लास्ट तक, तो ये करीब समथिंग 2 मीटर करीब लग रहा है, तो ऐसा करके ऐसा। देखिए इसको मेजरमेंट लेना है और इसको डायरेक्ट यहाँ पर कटिंग नहीं करना, ठीक है, इसको बंद करके इसको कटिंग करना, और कटर का मार्क है वहीं पर कटिंग करना है, गलत जगह नहीं, नहीं तो लाइट ख़राब हो सकती। ये हो गया और फाइनल जो है इसको फिटिंग करना है। ये कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हम लोग को इसमें डिफ्यूजर लगाना है। तो दोस्तों अभी देखिए लाइट कैसा अंधेरा था, अब ये लगाने के बाद देखिए कैसा आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। ये बोल रहे थे भाभी लोग नहीं लगाइए, और ये देखिए लुक कैसा आ रहा है, किचन का रौनक पड़ी। ये डिफ्यूजर जो एलईडी स्ट्रिप पे हम लोग लगाने वाले हैं। तो फाइनल देखिए डिफ्यूजर लगने के बाद लुक कैसा आ रहा होगा, चलो आपको दिखाते हैं नीचे उतर के। और इसमें एक पॉलिथीन है, पॉलिथीन भी बाहर कर लें, ठीक है ये कंप्लीट। तो देखिए दोस्तों फाइनल हो गया हमारा काम, एक स्विच बोर्ड बैठा रहता है पर 16 एम्पियर का, दो एक अवन के लिए और हम लोग ग्राइंडर के लिए, और एक लगाना था यहाँ पर लाइट। तो हम लोग यहाँ पर प्रोफाइल लाइट इंस्टॉलेशन किए हैं, तो कैसा लग रहा है आप देख सकते हो किस तरीके से लुक, काफ़ी सुंदर लगता है। किचन में तो प्रोफाइल लाइट लगाना ही चाहिए, जितने भी जगह मॉडलर किचन होता है वहाँ पर फाइनल ये जो। चलो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, आप देख सकते हो पहले कैसा था किचन और अब कैसा लुक आ रहा है, तो आपको समझ आएगा कुछ चेंजेस लगा कि नहीं। बोर्ड एक चेंज, यहाँ पर हम लोग इस जगह से कनेक्शन लेके यहाँ पर इस जगह के लिए, और ये लाइट लगा तो काफ़ी सुंदर दिख रहा होगा आपको। और ये किचन देखिए अभी कितना रोशनी कम था यहाँ पर और अभी रोशनी देखिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को अल्ली सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसा ऐसा रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो, जय हिंद वंदे मातरम, जय जगन्नाथ। तो दोस्तों आपको देखिए ना किस जगह पे हम लोग स्विच बोर्ड फिटिंग कर दिए, जहाँ पर हम लोग का उम्मीद नहीं था वहाँ पर हम लोग स्विच बोर्ड फिटिंग कर दिए और फाइनल हो चुका और लाइट भी वर्क कर रहा है आप देख सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के वीडियो में कुछ सीखने मिला होगा, वीडियो अच्छे लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसा ऐसा रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।